एंड मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी जो डिस्टेंसिंग है, अपने जो घर में रहना है वो उसका सब, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। अगर ये हम नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप मैं प्लीज़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये सरासर मीडिया में जाएगा तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो प्रिकॉशन के लिए बोला गया है लोगों से, उसका भरपूर पालन करें 14 तारीख तक। यदि हम इसका पालन नहीं करेंगे 14 तारीख के बाद, फिर आपको और परेशानी झेलनी पड़ सकती है, शायद लॉकडाउन और आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाए। यदि हम इस तरह जल्दी इसका नियम का पालन कर लेंगे, इस ज़्यादा इस नियम का पालन कर देंगे तो 14 तारीख तक जो अप्रैल तक है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उससे हमारी जो दुख पीड़ा है वो आगे नहीं बढ़ेगी और जल्दी हम इस बीमारी को कवर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन रखना और क्या करना है अपने लोगों के लिए। दूरी बनाए रखनी है हमको, सब लोगों को समझे ही बोलते हैं दूरी बनाए रखो, और मतलब 14 तारीख तक इस तरीके से रहेगा, कोई बीमारी आगे नहीं बढ़े। बहुत बढ़िया, इन्होंने बोला दूरी बनाए। कुछ मंडी के कुछ कर्मी हैं यहाँ पर, वो अपना सामान लेके आते, उन्होंने खुद बताया है कि हम खुद ग्राहकों से बोलते हैं कि दूरी बनाए रखो, और यहाँ पर जिस प्रकार की गैदरिंग होती है वो उससे भी दूरी बना के रखनी है। हम 6 बजे के बाद पूरा क्लोज करके और घर चले जाते हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जनता के द्वारा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अपने डिस्टेंस बना के रखें। और दूसरी बात यह रहेगी कि अपने घर पर है जो प्रकार की जो सुविधा सावधानी है, हाथ दिन में अपने हाथ बार बार धोने, और यहाँ से जाने के बाद भी अपने हाथ धोने का है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, किस प्रकार की मूवमेंट हो, पता नहीं कहाँ से कौन आ रहा है, तो इस प्रकार की भी प्रिकॉशन, इस प्रकार के जो सरकार के कदम उठाए उस पर भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने का है। जैसे मास्क बोला गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों से बोल सकते हैं हम यहाँ पर रहते हैं, ये मैं थोड़ी सी पहले जिस तरीका से मीटिंग बढ़ाई गई थी और जिस तरीका से जो काम चल रहा सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस की यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है, तो मैं लोगों से बोलूँगा कि दूरी बनाए रखें और हट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।